हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी एल्काइंस अंडर द टॉपिक ऑफ हाइड्रोकार्बन। एल्काइंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2, और जनरली आपको पता है कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ओके, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो फर्स्ट स्टेबल मेंबर है इथाइन, या उसे हम बोलते हैं एसिटाइलीन। इथाइन बोलते हैं इसको, या क्या बोलते हैं इसको हम? एसिटाइलीन। ओके, एसिटाइलीन यूज़ किया जाता है वेल्डिंग पर्पस के लिए इन द फॉर्म ऑफ, आप देखते हो ना, आग से ऑक्सी एसिटाइलीन की फ्लेम से जोड़ते हैं, वेल्डिंग करते हैं जब लोहे की चीज़ों को, एसिटाइलीन को ऑक्सीजन के साथ मिक्स कर जब होता है। एल्काइंस स्टार्टिंग मटेरियल है लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। अब नॉमनक्लेचर और हम उसका वो देखें तो एल्काइंस का, तो जैसे फॉर्मूला क्या है, C2H2, उसके स्ट्रक्चर को हम इस तरह से राइट डाउन करेंगे, और कॉमन नेम क्या है इसका, एसिटाइलीन, और IUPAC नेम है इसका इथाइन। इथाइन इज द IUPAC नेम, ये कॉमन नेम है, ये स्ट्रक्चर है। ओके, ऐसे ही थर्ड है C3H4, ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको हम बोलेंगे मिथाइल एसिटाइलीन। व्हाट वी विल कॉल इट, मिथाइल एसिटाइलीन, और इसको हम प्रोपाइन भी बोलते हैं। ऐसे ही अगर N4 है, इसके ही फॉर्मूला है ना, जैसे C3 है, ये आपको पहले भी बताया H, तो ये हो गया 2×3−2। ऐसे ही C4 है, जैसे C4H6, तो इसका क्या फॉर्मूला हो गया, CH3CH2C CCH। तो इसको बोलेंगे हम इथाइल एसिटाइलीन। जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन मैं बता रही हूँ आपको इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए कि इसके किस तरह से फॉर्मूला है। ओके, फिर फिफ्थ है तो C5H8 है, तो हो जाएगा CH3C CCH3। ओके, तो ये हो जाएगा डाई मिथाइल, दो मिथाइल है इसमें, तो हम बोलेंगे डाई मिथाइल एसिटाइलीन, डाई मिथाइल एसिटाइलीन, और जनरल नेम इसका तो हो जाएगा ब्यूट, 4 है 1 आइन, वो ज़्यादा इजी आपको और भी अच्छे से याद रहेगा कि 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया, और 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन हो गया। इसमें भी आप ब्यूट लिख के, और 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो ब्यूट 2 आइन, इस तरह से आप इसका IUPAC नेम कर सकते हो। तो आप देखते हो इथाइन और प्रोपाइन है, एक ही स्ट्रक्चर है, पर 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं, ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन। तो 2 कंपाउंड्स डिफर इन देयर स्ट्रक्चर, ड्यू टू पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, है ना। इस दोनों में क्या है, दे डिफर इन देयर स्ट्रक्चर ड्यू टू पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन के कारण, तो उसको क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमर्स, वी विल कॉल इट पोजीशन आइसोमर्स। और लेंथ ऑफ एल्काइन चेन डिफर होती है जब, व्हेन
लेंथ ऑफ एल्काइन चेन डिफर। और फॉर्मूला सेम है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं चेन आइसोमर्स। ये हमने पहले भी बताया था, पर एल्काइन्स के हिसाब से भी आइसोमर्स अलग बनेंगे, उसका स्ट्रक्चर अलग होगा। स्ट्रक्चर फॉर द नेक्स्ट होमोलोग, जैसे नेक्स्ट एल्काइन मॉलिक्यूल है जैसे C5H8, ठीक है, C5H8 ये फॉर्मूला है। ओके, तो इसका हम अगर 5 कार्बन एटम को चेन आइसोमर्स हम इसके बनाए तो कैसे बनेगा? देखो, पहले तो आप इसमें 5 कार्बन ऐसे बना लो। ओके, उसके बाद ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया, CH2 CH2 CH3। इसको थोड़ा सा क्लोज करके बनाते हैं, जैसे हम ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH2 CH3। इसका IUPAC नेम क्या है? पेंट वन आइन। इसको लीव इट, पेंट वन आइन। और कैसे स्ट्रक्चर बन सकता है? और इसका बनेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड, CH3, ये बनेगा पेंट टू आइन, है ना। स्ट्रक्चर का पोजीशन चेंज करते जा रहे हैं, चेन भी इसकी चेंज होती जा रही है। ओके, तो अब इसमें जब चेन चेंज होगी तो फिर CH3 CH इस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं हम, क्लियर। और ये CH, तो इसको क्या बोलेंगे? 2 मिथाइल 3 पे 3 मिथाइल ब्यूट वन आइन। ओके, तो फर्स्ट और सेकंड जो है पोजीशन आइसोमर्स है। फर्स्ट और सेकंड क्या है? ये पोजीशन आइसोमर्स है। और स्ट्रक्चर में फर्स्ट और थर्ड और सेकंड और थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड एंड सेकंड एंड थर्ड, चेन एलोंगेट, ये चेन आइसोमर्स है। अगर हम इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड लें, ये चेन आइसोमर्स। ओके, तो इस तरह से हम आइसोमर्स का हमें पता लगता है कि पोजीशन आइसोमर्स है। अब हम जैसे बॉन्ड के लिए आते हैं, स्ट्रक्चर का क्या है? इसका ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये स्ट्रक्चर कैसे बना ट्रिपल बॉन्ड का, और कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स बनेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, तो इथाइन क्या है? सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स है, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है इथाइन जो है वो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है। ये देखिए, ये ट्रिपल बॉन्ड है और ये हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन। ओके, और इसमें 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं, है ना। कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड ऑब्टेन्ड होता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का, और ये इस तरह से ये बन जाता है। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन,
ये sp हाइब्रिडाइज्ड हो गया कार्बन कार्बन में, ये सिग्मा बन गया, ये 1s है, ये 1s। ईच कार्बन के दो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि परपेंडिकुलर हैं एक तरह, है ना। कार्बन का कितना होता है? 6 होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का? 6 होता है ना। तो उसमें इस तरह से जब हम बनाते हैं 1s2, 2s2 और 2p2 तक बनता है ना। इस तरह से पोजीशन बनती है इसकी कार्बन में। तो क्या होता है, 2p ऑर्बिटल्स जो होता है वन कार्बन एटम का पैरेलल होता है 2p ऑर्बिटल ऑफ अदर कार्बन एटम के पैरेलल होता है, ठीक है। तो ये लेटरल और साइडवेज से ओवरलैपिंग होती है, लेटरल और साइडवेज से इसमें ओवरलैपिंग होती है। तो जब हम कार्बन का स्ट्रक्चर बनाते हैं कि तो ये इस तरह से ओवरलैपिंग होती है, sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, तो इसमें ये बाकी ओवरलैपिंग हो जाएगी, ठीक है। 1s2, 2s2 और ये इसको एक तरह से ये जो बनता है नीचे इस तरह से हाइब्रिडाइज्ड होता है ग्राउंड स्टेट में, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है कार्बन की। तो इस तरह से पोजीशन बनती है। तो ग्राउंड स्टेट में बनता है और इस तरीके से इसको करेंगे हम ग्राउंड स्टेट को, ये कार्बन 6 है। तो 2p ऑर्बिटल्स होते हैं एक कार्बन एटम के, वो पैरेलल हो जाते हैं 2p ऑर्बिटल्स ऑफ अदर कार्बन के 2p ऑर्बिटल्स से, और साइडवेज ओवरलैपिंग होती हैं और दो पाई बॉन्ड बनते हैं, टू पाई बॉन्ड्स, टू टू पाई बॉन्ड्स बनते हैं दोनों में। तो इथाइन मॉलिक्यूल में 1cc सिग्मा बॉन्ड बनता है और 2CH सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं, है ना, और 2cc पाई बॉन्ड्स बनते हैं। इस तरीके से इसमें ओवरलैपिंग होती है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा जब ओवरलैपिंग होगी तो, लाइक दिस। एक ओवरलैपिंग, ये पैरेलल है एक दूसरे के और ये जो इसको हम यहाँ पे 2px, 2py और 2pz बोलते हैं, तो इसमें ये देखिए ये 2px और 2px की ओवरलैपिंग हुई, ये पाई बॉन्ड बन रहा है और इसके साथ में ये 2py और 2py ये पाई बॉन्ड बना, यहाँ भी ये पाई बॉन्ड बना, इस तरह से ओवरलैपिंग होगी इसमें। ओके, तो
ओवरलैप ऑफ सिग्मा ऑफ पी ऑर्बिटल्स कैसे होएगा इसके अंदर? ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल में इस तरह से ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल, ये हुआ आपका ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल्स। ओके, इस तरह से इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे। अब इसकी हम करते हैं कि प्रिपरेशन कैसे होएगी। इसकी प्रिपरेशन कैसे होएगी इथाइन की? अब हम इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो प्रिपरेशन में हम देखते हैं, पहला है फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। तो ये इंडस्ट्रियल स्केल पे यूज़ किया जाता है और इथाइन प्रिपेयर्ड होता है रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बाइड का वाटर से। पहले उसे क्विक लाइम और कोक से हीट करते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है उसको हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड बना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। फिर इसी कैल्शियम ऑक्साइड को आप कार्बन के साथ रिएक्टिंग कैल्शियम हीटिंग लाइम और क्विक लाइम कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग लाइम स्टोन। तो इससे क्या मिला हमें? कैल्शियम कार्बाइड, वी गॉट कैल्शियम कार्बाइड। ओके, अब इसी कैल्शियम कार्बाइड को हम जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट वी विल गेट? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड इथाइन। तो इस तरह से प्रिपरेशन हो जाती है कैल्शियम कार्बाइड से। ऐसे ही जब हम, और कैसे प्रिपेयर हो सकता है? फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स, विसिनल डाइहैलाइड से भी ट्रीटमेंट होता है एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो अंडरगोस जाता है डिहाइड्रेशन के, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। क्या होता है? जो एल्कोहलिक हाइड्रोक्साइड है इट अंडरगोज डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। इसको ध्यान से पढ़िए, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। ओके, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाता है एल्किनाइल हैलाइड से। जैसे एक बार स्ट्रक्चर दिखाऊंगी तो आप लोगों को क्लियर होगा। ये देखिए, ये हमारे पास एल्काइल हैलाइड है ना, उसमें ब्रोमीन है एज अ हैलाइड। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अटैच हुआ विद एल्कोहल और पोटेशियम ब्रोमाइड अलग हो गया और वाटर इसमें से हट गया, तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास ये आ गया डबल बॉन्ड के साथ ब्रोमीन अटैच हो गया। उसके बाद फिर फर्दर जब रिएक्ट हुआ और माइनस क्या हुआ? माइनस सोडियम ब्रोमाइड माइनस एमाइन, तो व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट इथाइन। उसी की तो प्रिपरेशन कर रहे हैं हम। ओके, तो हमने क्या किया? एल्कोहलिक हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके डिहाइड्रो हेलोजिनेशन किया, तो ये हमें बाद में इसमें से डबल बॉन्ड आ गया और ब्रोमाइड हट गया डिहाइड्रो हेलोजिनेशन से। अब प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसकी, प्रॉपर्टीज़ में फिज़िकल प्रॉपर्टी सेम है एल्केन्स और एलाइंस की। जो इसके फर्स्ट थ्री मेंबर्स हैं
वो गैसेस हैं। प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसमें, जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं एल्केन्स और एल्काइन्स के, और इसके फर्स्ट थ्री मेंबर्स जैसे एसीटाइलीन, ओके, प्रोपाइन और ब्यूटाइन, ये सब क्या हैं? ये गैसेस हैं। और एल्काइन्स क्या हैं? ऑल एल्काइन्स आर कलरलेस। और क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ है? ज़्यादातर तो सिमिलर ही हैं, ऑल एल्काइन्स आर कलरलेस, इनका कोई कलर नहीं होता। ऑल एल्काइन्स एक्सेप्ट इथाइन, खाली जो इथाइन जो है उसका ऑफेंसिव ऑर्डर होता है, ऑफेंसिव करेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है उसका, अलग सी स्मेल होती है। बाकी जितने एल्काइन्स हैं वो ऑर्डर, और बाकी जितने एल्काइन्स हैं दे आर अडरलेस। क्लियर? एल्काइन्स आर वीकली पोलर इन नेचर, वीक होते हैं चार्जेस में, और इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ओके, और सॉल्यूबल किस में होते हैं? सॉल्यूबल होते हैं ये ऑर्गेनिक, शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट बनाने से क्या होता है, लर्न होता जाता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जैसे ईथर्स में या कार्बन टेट्राक्लोराइड में, बेंजीन में, इन सब में ये सॉल्युबल होते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी इंक्रीज होती है जैसे जैसे मोलर मास इंक्रीज होता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी इंक्रीज होती है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? मोलर मास के। जैसे जैसे मोलर मास इंक्रीज होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी इंक्रीज होता है। नाउ लेट्स कम टू केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर है इतना? उसको दोबारा से, उसको आप रिवाइज भी कर सकते हो जब भी। तो एल्काइन्स क्या एसिडिक नेचर शो करते हैं, एडिशन रिएक्शन शो करते हैं और पॉलीमराइजेशन होते हैं। तो पहला इसमें हम लेंगे एसिडिक करेक्टर, एसिडिक करेक्टर ऑफ एल्काइन। क्या एसिडिक करेक्टर है? सोडियम मेटल है, सोडामाइड है, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है, ये रिएक्ट करते हैं इथाइन को और फॉर्म करते हैं एसिटाइलाइड विद द लिब्रेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस। कैसे? क्या प्रॉपर्टीज हैं इसकी? एसिडिक करेक्टर क्या है एल्काइन का? इसमें सोडियम मेटल और सोडाएमाइड ये क्या हैं? स्ट्रॉन्ग बेसेस हैं, स्ट्रॉन्ग बेसेस हैं, ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ? इथाइन के साथ, ठीक है, और फिर फॉर्म करते हैं सोडियम एल्काइन
एसिटाइलाइड और साथ में लिब्रेट करते हैं हाइड्रोजन गैस। ओके, इसका एक एग्जांपल मैं दे देती हूँ। ये देखिए, जैसे ये इथाइन है, उसके साथ सोडियम मेटल ऐड हुआ तो ये क्या फॉर्म हुआ यहाँ पे? ये मोनोसोडियम इथाइनाइड फॉर्म हुआ और ये इधर हाइड्रोजन लिब्रेट हो गया। ये क्या फॉर्म हुआ हमारे पास? मोनोसोडियम इथाइनाइड, मोनोसोडियम इथाइनाइड। ओके, इस तरह से ये रिएक्ट करेगा इथाइन सोडियम मेटल के साथ और सोडियम एसिटाइलाइड बनेगा। तो ये रिएक्शन ऑब्जर्व नहीं किए जाते इथेन और एथेन में। इससे पता लगता है कि इथाइन इज एसिडिक इन नेचर। हमें क्या पता लगा? इथाइन इज एसिडिक इन नेचर। ओके, जब स्ट्रॉन्ग बेसिस से रिएक्ट करता है तो स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है इसके एसिडिक नेचर में। इथाइन हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से, है ना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच्ड होते हैं इथीन में और sp3 में। ओके, तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जो होता है मैक्सिमम s करेक्टर होता है। इसका क्या कारण है? इसमें sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होता है, इसीलिए भी इसका एसिडिक नेचर है। और इसमें एस करेक्टर जो होता है वो 50% होता है। तो क्या होता है? हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो ये अट्रैक्ट करते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, इसी कारण इसमें हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इस कारण ये शेयर करते हैं, दे अट्रैक्ट टू शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें? CH बॉन्ड में। ओके, इथेन और इथीन की कंपेयर में इथाइन में हाइड्रोजन एटम एज अ प्रोटोन जल्दी रिलीज हो सक जाता है। इथाइन में हाइड्रोजन कैन बी लिबरेटेड मोर इजीली। दूसरों की कंपेयर में इथेन और इथीन की कंपेयर में कैन बी लिबरेटेड मोर इजीली, और इजीली लिबरेट हो सकते हैं। ठीक है, एसिडिक नेचर है, sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, s करेक्टर इनका 50% होता है, इसलिए हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं इथेन और इथीन की कंपेयर में। इसी कारण जो प्रोटोन होते हैं ज़्यादा इजीली लिबरेट होते हैं, इसके कारण भी इसका एसिडिक नेचर है। आप ये नोट करना कि जो हाइड्रो एटम अटैच है ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में, ये एसिडिक नहीं है। एटम अटैच टू द ट्रिपली बॉन्ड कार्बन एसिडिक हैं, पर सारे हाइड्रोजन एटम नहीं है एल्काइंस के, जो इसके साथ अटैच्ड हैं वो एसिडिक हैं, पर सारे हाइड्रोजन एटम नहीं हैं। सारे हाइड्रोजन एटम आप कह दो एल्काइंस के जितने भी हैं, ये डिपेंड करता है, एटम टू एटम डिफर करता है। ओके, इसी तरह से एक और हम दे देंगे, किससे? सोडियम के साथ रिएक्ट किया, उसके बाद हम क्या बताएंगे ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? सोडायमाइड के साथ। ओके, ये सोडायमाइड के साथ रिएक्ट किया तो ये क्या बनाएगा? सोडियम प्रोपायराइड, CH3C ट्रिपल बॉन्ड। ओके, और NH3।
थ्री इधर आ गया। NH3 इधर, ये क्या बना? सोडियम प्रोपाइनाइड, तीन कार्बन है इसलिए हम बोलेंगे सोडियम प्रोपाइनाइड। ओके, तो ये रिएक्शन एल्कीन्स और एल्कीन्स नहीं शो करते हैं, तो ये डिफरेंस है। एल्कीन्स और एल्कीन्स का एसिडिक बिहेवियर अगर हम देखें तो किस तरह से वो बिहेव करते हैं, एसिडिक बिहेवियर, एसिडिक कौन कितना है, तो आप ये देखिए आपका ये आ गया एल्काइन, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है। उसके बाद है आपका ये इथीन, उसके बाद है इथेन, इथेन सबसे कम एसिडिक है। तो दैट्स हाउ वी ऑब्जर्व अबाउट द एसिडिक नेचर। डन। तो एल्काइल ग्रुप जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम एल्काइल ग्रुप का भी देखेंगे। अब आप देखिए इसमें जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा तो क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, तो एसिडिटी, एसिडिक नेचर जो है वो उसमें कम हो जाएगा, कम होता जाएगा। ओके, तो ये था हमारा एसिडिक करेंगे। सेकेंड है एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। एल्काइन्स ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो ये एड अप हो जाते हैं, दो मॉलिक्यूल डाइहाइड्रोजन के, एड अप टू मॉलिक्यूल ऑफ डाइहाइड्रोजन, हेलोजन, हाइड्रोजन हैलाइड्स। एडिशन जो होता है अनसिमेट्रिकल एल्काइन्स में, ये मार्कोवनिकोव रूल के हिसाब से होता है। मेजोरिटी ऑफ द रिएक्शन जो होते हैं वो एग्जांपल है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है इसके अंदर। ओके, तो हम पहले इसमें लिखेंगे, पहला रिएक्शन हम इसमें देंगे एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। जैसे ये आपका एल्काइन है CnH2n-2, इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एल्काइन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, प्लस हाइड्रोजन। और कैटलिस्ट कौन से हैं, प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल, उनकी प्रेजेंस में CnH2n रह जाएगा। क्या क्या मतलब, वो एल्कीन में चेंज हो जाएगा, और फिर जब हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो वो CnH2n+2 बन जाएगा, इट मींस एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। डन। तो इसी का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये हमने लिया इथाइन। ओके, उसमें हमने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड कर दिया, और उसके बाद हम उसमें एक कैटलिस्ट जो है ऐड करेंगे। तो जब कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो क्या होगा, कैटलिस्ट ऐड करने से, कैटलिस्ट ऐड करने से वो एल्कीन में कन्वर्ट होगा। इट कन्वर्ट्स इनटू एल्कीन। तो ये कितना हो जाएगा, इसकी प्रेजेंस में ये हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल, तो ये चेंज हो गया हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन में चेंज हो गया। उसके बाद जब हाइड्रोजन रिएक्ट हुआ तो ये इथेन में चेंज हो गया। ओके, इस तरह से, तो लास्ट में वो इथेन में चेंज हो गया, यहाँ पर ये इथीन में था।
और यहाँ ये इथाइन में था। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। इसी तरह से हम प्रोपेन को भी ले सकते हैं, जैसे CH3 C BBC + हाइड्रोजन, फिर इसमें प्लेटिनम, पैलेडियम और निकेल। तो ये किसमें चेंज हुआ? ये चेंज हुआ आपका पहले प्रोपीन में चेंज होगा, फिर जब हाइड्रोजन अटैच होगा तो ये प्रोपेन में चेंज हो जाएगा। ओके, इस तरह से होगा। एडिशन रिएक्शन में एक और है, एडिशन ऑफ हेलोजन्स। एडिशन ऑफ हेलोजन्स, एडिशन ऑफ हेलोजन्स में इस तरीके से होगा। एडिशन ऑफ हेलोजन में जैसे ही मान लो ये है, इसके साथ ये हेलोजन अटैच हुआ तो एक इसमें चेंज हो जाएगा इस तरीके से। हेलोजन अटैच हो जाएंगे, फिर उसके बाद फिर जब हम रिएक्ट करेंगे तो ये इस तरीके से ये चेंज हो जाए। इसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे हम प्रोपाइन का एग्जांपल लेंगे, तो जब हम प्रोपाइन का एग्जांपल लेंगे तब इसको हम और क्लियरली समझ पाएंगे। तो प्रोपाइन का एग्जांपल लेते हैं, तो सबसे पहले हम प्रोपाइन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। प्लस हमने हेलोजन की जगह ब्रोमीन को ऐड किया, जब ब्रोमीन को ऐड किया तो उसमें क्या चेंज आया? वन टू डाई ब्रोमो प्रोपीन में चेंज हो गया, 1,2-डाई ब्रोमो प्रोपीन में चेंज हो गया। और फिर जब ब्रोमीन से रिएक्ट हुआ तो डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड आ गया और दोनों ब्रोमीन और ऐड हो गए। उसमें हेलोजिनेशन है ना, इसमें एडिशन ऑफ हेलोजन है। तो एडिशन और ऐड हुआ तो उनका ग्रुप ही चेंज हो गया, वो प्रोपाइन से प्रोपीन में और अब प्रोपेन में चेंज हो गए। तो इसको क्या बोलेंगे? पहले कार्बन पे दो है तो 1,1, फिर दूसरे पे है 2,2, टेट्रा ब्रोमो, चार है इसलिए टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन, टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन। तो रेडिश ऑरेंज कलर क्या आएगा इसमें? रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड में जब डालेंगे तो इज डीकलराइज्ड। तो ये डीकलराइज्ड हो जाएगा, रेडिश ऑरेंज कलर। ये यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज्ड एज टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। क्लियर? इस तरह से इसका हम एडिशन ऑफ हेलोजन करेंगे। और क्या है? थर्ड है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, तो हाइड्रोजन हैलाइड्स में जैसे ये ट्रिपल बॉन्ड है, साथ में ये हाइड्रोजन हैलाइड है, तो ये इस तरह से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके,
और फिर जब हम हेलोजन ऐड करेंगे तो इट विल बी लाइक दिस. ओके, लेट्स क्लियर इट विद वन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल के साथ आपको क्लियर करती हूँ. लेट्स टेक द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इथाइन प्लस HBr. ओके, देन व्हाट वी विल फाइंड, वी विल फाइंड ब्रोमो इथेन, ब्रोमो CH2 इथेन. फर्स्ट इट विल गेट कन्वर्ट इंटू इंटू एल्कीन्स, देन इंटू एल्कीन्स एल्काइल हैलाइड्स. ब्रोमो इथीन, आफ्टर दैट दे विल कन्वर्टेड इंटू CHBr2 एंड CH3. तो इसको हम क्या बोलेंगे, वन पे हैं दोनों तो वन वन, और दो हैं तो हम लिखेंगे डाई ब्रोमो, और कोई बॉन्ड नहीं है इसलिए इथेन. ओके, डन. इस तरीके से वन मोर एग्जांपल जिससे आपको क्लियर हो जाए. अब हम जैसे लेंगे प्रोपीन, प्रोपाइन, प्रोपाइन के साथ ऐड करेंगे HBr, तो वी विल गेट टू ब्रोमो प्रोपीन, वी गेट टू ब्रोमो प्रोपीन. फिर इसको हम HBr से रिएक्ट करेंगे फर्दर, तो ये आ जाएगा हमारे पास टू टू डाई ब्रोमो प्रोपेन. लाइक दिस. ओके, टू टू डाई ब्रोमो प्रोपेन, डन. अब इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, चाहे HCl हो, HBr या HI, ये ऐड किए जाएंगे एल्काइल हैलाइड्स में, है ना. HCl, HBr भी ले सकते हो, हाइड्रोजन आयोडाइड भी ले सकते हो. तो इनिशियल प्रोडक्ट विनाइल एलाइड है, हाइड्रोजन एलाइड ऐड होएगा टर्मिनल एल्काइन पे, और जो प्रोडक्ट है वो मार्कोवनिकोव रूल्स के हिसाब से होगा, अनुसार होगा. सेकंड मॉलिक्यूल बनेगा HX का, वो भी ऐड किया जाएगा विद द सेम ओरिएंटेशन एज द फर्स्ट जो हमने ऐड किया था. अब फोर्थ है एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर. तो एल्केन्स और एल्किन की तरह की एल्काइन्स भी जो होते हैं वो इमिसिबल होते हैं, एल्काइन्स भी इमिसिबल होते हैं, दे आर इमिसिबल, दे डोंट रिएक्ट विद वाटर. जैसे घी को पानी के ऊपर डालते हैं तो वो ड्रॉप तैरती रहती है, इट इज़ घी इज इमिसिबल, ऑयल इज इमिसिबल विद वाटर. ऐसे ही एल्काइन्स आर इमिसिबल विद वाटर. पर मर्क्यूरिक सल्फेट और डाइल्यूट सल्फरिक एसिड जब 333 केल्विन पे हम उसको लाते हैं तो ये कार्बोनिल कंपाउंड्स बनाता है. एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. ये आपके पास है इथाइन, इथाइन में आपने ये डाला वाटर, वाटर के साथ मर्करी है, ना एसिड है, मर्क्यूरिक सल्फेट और डाइल्यूट सल्फरिक एसिड. तो क्या आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, क्या बनेगा, विनाइल एल्कोहल, विनाइल एल्कोहल बनेगा. और फिर आइसोमराइजेशन से ये बनेगा इथेनल, क्या बनेगा इथेनल. वो क्या है, रिएक्ट नहीं करता है पर वार्मिंग विद
वॉर्म किससे किया, वॉर्म प्लस मर्क्यूरिक सल्फेट प्लस डाइल्यूट सल्फरिक एसिड है ना, और कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 333 केल्विन, तब वो रिएक्ट होगा और इथेनॉल बनाएगा, विनाइल अल्कोहल बनाएगा, कार्बोनल कंपाउंड्स बनाएगा, इट विल मेक कार्बोनल क्या बनाएगा, कार्बोनल कंपाउंड्स। ऐसे ही प्रोपाइन का भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, ये हमारे पास है प्रोपाइन, तो ये क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड, इथाइन इथीन में चेंज होगा, पहले ये OH, फिर इसका आइसोमराइजेशन होगा सिमिलरली लाइक अबव स्टेप्स वी विल डू, आइसोमराइजेशन से किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा आपका प्रोपेनोन में चेंज आएगा। तो ऑल हायर एल्केन्स गिव्स कीटोन्स, ऑल हायर एल्काइन्स कीटोन्स मिल रहे हैं ना, प्रोपेनोन इथेनल, ये प्रोपेनोन कीटोन्स है, वो एल्डिहाइड था, इथेनल है, तो ऑल हायर एल्काइन्स गिव्स कीटोन्स अंडर इसी तरह की कंडीशन में, अंडर सिमिलर कंडीशंस। ओके, तो ये हो गया हमारा इसमें एडिशन ऑफ वाटर केमिकल प्रॉपर्टीज में। अभी लास्ट और हम पढ़ लेते हैं, वो है पॉलीमराइजेशन। जो पॉलीमराइजेशन है सूटेबल कंडीशन में होता है, ये देखो पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन जो होता है सूटेबल कंडीशन, इथाइन में टेक्स प्लेस होता है, और इथाइन क्या प्रोड्यूस करता है, पॉली एसिटाइलिन और पॉलीथीन। ओके, इथाइन किस में चेंज हो जाता है, पॉली एसिटाइलिन में, और पॉलीथीन में। हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, रिपीटिंग यूनिट्स होती है ना, हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, और पहले भी इसका मैंने बताया था स्ट्रक्चर रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं, पिछली क्लास में बताया था मैंने, क्या रिपीटिंग यूनिट होती हैं पॉलीथिन में, ये इस तरह से, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH एन नंबर ऑफ, है ना। दिस पॉलीमर अंडर स्पेशल कंडीशन क्या होता है, पॉलीमर कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, ये जो पॉलीएसिटाइलिन है ये इलेक्ट्रोड्स में यूज होता है, यूज्ड इन इलेक्ट्रोड्स, और एक थिन फिल्म्स में यूज होता है, द फिल्म ऑफ पॉलीएसिटाइलिन।
अंडर सुटेबल लीनियर पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन टेक्स प्लेस. लीनियर पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन टेक्स प्लेस अंडर सुटेबल कंडीशंस. ओके, तो क्या होता है, टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस पॉलीएसिटाइलीन और पॉलीइथीन नहीं है, ये पॉलीइथाइन. इट गिव्स पॉलीएसिटाइलीन और पॉलीथीन नहीं, इट गिव्स पॉलीइथाइन जिसमें हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है. इसका क्या होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, ये हम लिख चुके हैं. तो इस तरह से पॉलीमराइजेशन का एक और लास्ट बताते हैं हम आपको, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन भी होता है. साइक्लिक पॉलीमराइजेशन भी होता है. इथाइन जब पास होता है रेड हॉट आयरन ट्यूब से, ये हमने ये इथाइन बनाया, ये ट्रिपल बॉन्ड बनाया है ना, फिर हमने यहाँ लिख देंगे रेड हॉट आयरन ट्यूब है जो कि 873 केल्विन पे ये अंडरगोस करता है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन के थ्रू जाता है. तो ये क्या फॉर्म करता है, बेंजीन फॉर्म करता है. क्या फॉर्म होगा, बेंजीन. और उसको इस तरह से भी जब सिंपली हम लिखते हैं तो दिस, इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाए. तो क्या होगा, इथाइन जब पास होएगा रेड हॉट आयरन ट्यूब से 873 केल्विन पे साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होगा. तो तीन मॉलिक्यूल पॉलीमराइज होके फॉर्म बनेंगे, थ्री मॉलिक्यूल्स पॉलीमराइज टू फॉर्म बेंजीन. ठीक है, स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है प्रिपरेशन के, विच इज़ द स्टार्टिंग मॉलिक्यूल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, डाइज, ड्रग्स, है ना. क्या बनता है इससे, बेंजीन, डाइज, ड्रग्स. तो इसमें थ्री मॉलिक्यूल रहेंगे, थ्री मॉलिक्यूल ऑफ इथाइन. Three molecules of ethane polymerize. Polymerize to form benzene. Clear? तो इस तरह से हम इसको करेंगे. तो फिर भी लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ. ये तो हमें पता लग गया तीन मॉलिक्यूल, अगर कोई कहे कि दो मॉलिक्यूल हैं इथाइन के और एक मॉलिक्यूल है प्रोपाइन का और इनका साइक्लिक पॉलीमराइजेशन हुआ और रेड हॉट आयरन ट्यूब में ये इसको इन मिक्सचर को निकाला गया रेड हॉट आयरन ट्यूब से, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा. तो फिर से हम लिखेंगे, एक तो इसने बोला है, एक तो इथाइन ही बोला है, दूसरा इसने
प्रोपाइन बोला है उसको बना लेते हैं, ठीक है, दो इथाइन बोले हैं, डन, ये बना दिया। फिर ये रेड हॉट ट्यूब और 873 केल्विन इसका टेम्परेचर, तो ये क्या बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा इसका, ये बनेगा हमारा टॉलिन। इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड CH3। बेंजीन का स्ट्रक्चर है, साथ में जो प्रोपाइन का CH3 है वो अटैच हो जाएगा। इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या बना हमारा टॉल्यूइन, क्लियर। तो ये हमारी थी प्रॉपर्टीज, आपने हमने कंप्लीट कर लिया है पूरा पार्ट किसका, एल्काइन का, एल्काइन की प्रॉपर्टीज आज हमने डिस्कस की। एल्काइन की प्रॉपर्टीज आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, नॉमनक्लेचर, आइसोमराइजेशन, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब क्लियर हो गया। कुछ क्लियर नहीं होता तो हमें ज़रूर बताएं, मैं उसको फिर से समझाऊंगी, या मेरे पुराने वीडियोस को या इसी वीडियो को आप रिवाइज़ करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।